back to the channel. So, आज मैं बनाने वाली हूँ yummy yummy से pancakes. और ये कोई ordinary pancakes नहीं होने वाले हैं. हम इनके ऊपर cream लगाएंगे और मैंने कुछ strawberries रखी हुई हैं. उनको भी करेंगे. आपकी choice है. नहीं करना ना करें. करना है करें. So first of all मैं क्या करती हूँ, हम लोग मैदा डाल लेते हैं. मैं आपको ingredients की measurement की कितना लेना है और क्या ingredient है वो सब मैं नाम से बताती जाऊँगी. So आपको सबसे पहले अपना जो mixture जब आप करेंगे ना तो आपको spatula use करना है. विस्क क्या करता है, विस्क हम लोगों ने इसको बीट नहीं करना है, स्पैचुला से आराम से फोल्ड करना है बस. अभी मैंने ले लिया है 1 कप मैदा. छान के डालेंगे ताकि कोई सी भी कीड़े वीड़े ना चले जाए. टोर्नेडो देखे. सो हमने छान लिया है. अब पहले हम लोग ड्राई इंग्रेडिएंट्स को सारे कर लेंगे. अब आपको क्या चाहिए, चीनी चाहिए, क्रश्ड होनी चाहिए बिल्कुल, वरना ये आपके पैनकेक्स में आप जब आप उसको चबाएंगे तो वो चक-चक करेगी. तो हम लोगों ने क्या करना है, 2 टेबलस्पून इसमें चीनी डालनी है. अब हम इसको थोड़ी देर तक क्रश करेंगे. यहाँ पे हमारी चीनी हो गई है. मैं बस ओके एंड वी आर ऑलमोस्ट डन हियर. सो गाइस अब हम इसमें क्रश चीनी डाल देंगे. सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जैसे कि मैंने आपको बोला था, सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स अलग से डालने हैं. बिल्कुल वही हम फॉलो कर रहे हैं स्टेप. तो ये हो गई मेरी 2 टेबलस्पून चीनी. इसको हम इसमें डाल देंगे अच्छे से. एंड जब हम इसको थोड़ा सा बीट कर, बीट नहीं करना सॉरी, इसको हम फोल्ड करेंगे, थोड़ा सा मिक्स करेंगे. ओके अब हम डालने वाले हैं इसमें 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर. ज़्यादा नहीं होना चाहिए वरना ये बाहर ही ना आ जाए कहीं. सो आई हैव 1 टेबलस्पून यहाँ मेरे पास बेकिंग पाउडर पड़ा है. मैंने सारे ड्राई इंग्रीडियंट्स अलग कर लिए हैं और अब हम इनको थोड़े से अच्छे से विस्क करेंगे. जब लिक्विड इंग्रीडियंट के साथ मिलेंगे तब आपको विस्क नहीं करना, तब आपने जेंटली एक स्पैचुला से इसको फोल्ड करना है. ओके इसमें 1 चुटकी ड्राई इंग्रीडियंट्स को सेट असाइड कर दें. और यहाँ पे हमने क्या करना है, 1 कप दूध डालना है. ठंडा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए. ओके ओके गाइस तो यहाँ पे बस 1 कप दूध आ गया है. हम इसमें डाल लेंगे 1 कप दूध. ऑमलेट वाला टेस्ट आ जाता है, उसको चेंज हो जाएगा. सो अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ 1 एग. इसको हम अच्छे से बीट कर लेंगे. ज़्यादा नहीं करना है वरना इसमें बबल्स रह जाते हैं. तो मैं थोड़ा सा स्पैचुला यूज़ कर रही हूँ इसमें से आधी चीज़ें निकालने के लिए. आप नोटिस करेंगे कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए बिल्कुल. टेबलस्पून ऑयल के, अगर आपके पास ये बटर एक्चुअली इस केस में यूज़ होता है, मगर मेरे पास बटर नहीं था अनसॉल्टेड, इसलिए मैंने इसी को डाल लिया. और अब हम इसको फिर से अच्छे से बीट कर लेंगे. काफ़ी सारी झाग आ गई है जैसे कि आप देख लो, इसको काफ़ी झाग है इसमें. सो अब हम इसको क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे और ऐसा ऐसा करके इसको मिक्स करना शुरू कर देंगे. फोल्डिंग करनी है.
थोड़ा आधा आधा करके डालूंगी मैं, फुल नहीं एक साथ डालूंगी, और थोड़ा करके बैटर के साथ इसको मिक्स करते हैं। फोल्ड करें ज़्यादा से ज़्यादा, बीट नहीं करें इसको। इस केस में आप इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ ना कीजिए तो अच्छा होगा, बिकॉज वरना फिर ये ख़राब हो जाएगा और उसमें लम्ब्स निकल आएंगे। हमने सबसे हमारा एफर्ट ही यही है कि लम्ब्स नहीं होने चाहिए। निकाल लूँगी, मैंने इसको दो हिस्सों में डाला है और दो हिस्सों में कंप्लीट किया है। अच्छे से मिक्स करना है ठीक है, कि जो लम्ब्स हैं वो अच्छे से निकल भी जाएं। देखें जो लम्ब्स आपको नजर आ रहे हैं उनमें, ये नहीं होने चाहिए हमारे बैटर में। सो आपसे मिलती हूँ लम्ब्स को फिनिश करने के बाद। ओके सो यहाँ लम्ब्स अब बिल्कुल भी नहीं है, तो अब बिल्कुल लम्ब्स नहीं है, आप देख लो बिल्कुल ये हो गया है पतला सा, ज़्यादा पतला भी नहीं चाहिए था हमें, बट इतना काफ़ी रहेगा। तो हमारा बैटर अब रेडी हो गया है, अब हम अपने पैन को रेडी करते हैं। टिप ये है कि मैं ये लिटर कप यूज़ करती हूँ, इससे जब मैं पोर करती हूँ तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होता, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, बहुत अच्छे से ये मतलब उसमें डल जाता है, वरना ये हर जगह फैल जाता है बैटर। सो इसलिए मैं क्या करती हूँ, हमेशा इसमें डाल के करती हूँ। सब वियर्ड तो है मगर ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है, अगर आपका भी गिर जाता है। सो डाल लें, ओके इसमें डल गया है। ये कम से कम है यहाँ पे 600 ml, एंड लेट्स गो एंड रेडी आवर प्लान। तो मेरे कैमरे ने फाइनली फोकस किया बहुत प्राइस के बाद। अब आपको क्या करना है, इसको मीडियम हीट पे रखना है। मैं आपको हीट का लेवल भी दिखा देती हूँ, ज़्यादा हीट नहीं होनी चाहिए वरना ये सड़ जाएंगे, एंड वी डोंट वांट दैट टू हैपन। सो इतनी हीट काफ़ी होगी इनको करने के लिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें इतनी हीट मैं यूज़ कर रही हूँ इनको कुक करने के लिए। आप ज़्यादा हीट मत यूज़ कीजिएगा वरना ये जो होते हैं जल जाते हैं। सो मैंने ये क्लीन पैन इन पर रखना है, बिल्कुल गंदा नहीं होना चाहिए उस पैन पर। सो अब हम इस पर क्या करेंगे, थोड़ा सा ऑयल यूज़ कर रही हूँ मैंने यहाँ पे, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज़ किया है। बहुत थोड़ा तेल यूज़ करना है, ज़्यादा तेल यूज़ करते हैं तो वैसे ही वो ख़राब हो जाता है। मैं आपको तेल के साथ डाल के भी बना दिखाऊँगी और तेल के बगैर भी दिखाऊँगी। तो सबसे पहले हम तेल डाल के सीख लेते हैं। थोड़ा सा हमने यूज़ किया है और ये देखिए मेरा लीटर कप आ गया, इसमें मैं आपको दिखा रही हूँ। जितना आपको बड़ा पैनकेक चाहिए उतना आप मिक्सचर डालें, मैंने इतना डाला है। और जब तक यहाँ बबल्स नहीं आते आप इसको पलटेंगे नहीं, ओके। थोड़ा सा गौर से नोटिस करो तो थोड़े थोड़े बबल्स आना शुरू हो गए हैं यहाँ पे, देखो। सो हम चाहते हैं कि पूरे में आए, बिकॉज अगर आप छोटे थोड़े से बबल्स पर पलट दोगे तो ये बीच में से टूट सकता है। और मैं यहाँ पे ये वाला यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी इसकी अच्छी आगे की है, मतलब ये काफ़ी अच्छे से इसको पलट लेगा तोड़ेगा। सो मैं थोड़ा सा इसमें, अब ऐसा ऐसा आपको करना है, कोई जल्दी नहीं करनी है वरना ये टूट जाएगा। ये देखें ऐसा आता है। तो अब हम थोड़ा थोड़ा यहाँ देख सकते हो ये सॉफ्ट है, लेकिन अभी सही से पका नहीं है ऊपर से। ये क्या हो गया, ये हमसे क्या हो गया, उप्स। खैर बहुत हादसों के बाद ये वापस पैन पर आ गया है। अब मैं एक प्लेट निकाल लूँगी, उप्सी उप्सी, मैं बाद में निकाल लूँगी प्लेट, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, है ना। सो अगला जो बैटर होगा वो मेरी बहन डालेगी। सो रिज़ल्ट आए हैं ये पतले से पैनकेक। अब मैं इसको दिखाऊंगी आपको बगैर उसके, तो चले आए देखते हैं बगैर।
तेल के पैनकेक कैसे बनते हैं। इस दफा मैं तेल नहीं डाल रही हूँ जैसे कि मैंने आपको बताया था, और इस दफा मैं आपको एक ट्रिक दे रही हूँ। अगर आपके पैनकेक्स पतले हो जाते हैं तो आपको क्या करना है, तो बबल जाते हैं फिर हम देखते हैं बाकी का। अब जब हम तेल के बगैर बनाते हैं तो आप देखो मैंने अभी डाला है और अभी ही इस पे बबल आने लग गए हैं, तो इसमें आपको एक्टिव रहना पड़ता है। ये नहीं कि मैं कहीं चली जाती हूँ, जब मैं आऊँगी तो बबल्स बन जाएंगे, ये जल्दी जल्दी ना क्या करेगा कि ड्रॉप होने लग जाएगा। तो देखें अब हम इसको थोड़ा थोड़ा मैं देख रही हूँ, पूरा इसको चिपकने नहीं देना। और आप देखें आप कितना फ़र्क है दो पैनकेक्स में। ये वाला देखें आप, इसको गौर से देखें, पराठे की तरह लग रहा है। और इसको देखिए कितना फ्लफी है, इसका आप फ्लफीनेस आपको फील हो रही है, तो बहुत फ्लफी होने वाला है। सो ऐसा जो लोग करते हैं ना प्रेस कर देते हैं कि जल्दी, हाँ कि जल्दी हो जाएगा ये ऐसे टप टप, इसको ना क्या करें सिस के पैनकेक का जो होता है ना सॉफ्टनेस, वो सारा अंदर का मिक्सचर जो इसमें फंसा रहा होता है ना वो बाहर आ जाता है, तो वो सही से होता नहीं। नेक्स्ट पर हम अभी अपनी व्हिपिंग क्रीम रेडी करते हैं, जब तक ये सारे मैं करती रहती हूँ, ठीक है। तो हम अपनी व्हिपिंग क्रीम रेडी करने के लिए चलते हैं। गाइस आपको पता नहीं मेरी, तो गाइस पता नहीं आपको मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, तो मैंने अपने इसमें डाल दी है अपनी क्रीम को, और अब इसको हमारा फाइनल लुक आ गया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय, बूम बूम अप बूम अप।